नहीं देखिए बंद हो गई तुरंत, चलेगा सुनाएगा उसके बाद। तुमने भैया गाड़ी आई है? हाँ गाड़ी फिर चालू करी। जिला चिकित्सालय में स्थापित वृद्धावस्था वार्ड बदहाली की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व शौचालय को बंद करने का मामला सामने आने के बाद अब कार्डियक मॉनिटरों के खराब होने की बात सामने आई है। 10 बेड के इस वृद्धावस्था वार्ड में 7 मॉनिटर लगभग पूरी तरह से खराब बताए जा रहे हैं, जबकि 3 कार्डियक मॉनिटर थोड़ी देर चलने के बाद ही बंद हो जाते हैं। 26 जनवरी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एल सिंह ने वृद्धावस्था वार्ड का निरीक्षण किया था। उस समय उन्होंने खराब कार्डियक मॉनिटरों को ठीक कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद कार्डियक मॉनिटरों को ठीक कराने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। स्थिति यह है कि वृद्धों के हृदय व ब्लड प्रेशर की जांच के लिए स्थानीय स्टाफ को मैनुअल व्यवस्था को प्रयोग में लाना पड़ रहा है। जब वृद्धों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है तो सामान्य मरीजों के इलाज के पर जिला चिकित्सालय प्रशासन कितना गंभीर होगा, इसका आकलन स्वतः किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एन सिंह का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरएसके के बजट अथवा यूजर चार्जर के बजट से छोटी मोटी कमियों को ठीक करा सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं कराया जा रहा है तो वह इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था वार्ड में वृद्धों का इलाज शासन की प्राथमिकता में शुमार है, इसके लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि 7 कार्डियो मॉनिटर खराब हैं, जिन्हें ठीक कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। के लिए अम्बेडकर नगर से मनीष मिश्रा।